हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है एक शानदार सी मार्केट एनालिसिस वीडियो में ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहली बात तो आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत दिनों बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है ऑन अ मार्केट एनालिसिस। क्या आप मुझे भूल तो नहीं गए ना इंटेलिजेंट ट्रेडर्स? ये वॉइस सुनकर आपको कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर से इस कमेंट सेक्शन में, इसको ध्यान दीजिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हम लोग वापस आ चुके हैं और नए फाइनेंशियल ईयर की फुल प्लानिंग के साथ, फुल एनर्जी के साथ एक नई स्टार्ट करने वाले हैं। इस फाइनेंशियल ईयर को हम लोग पूरा रॉक करने वाले हैं डे वन से लास्ट 365th डे तक। इसको याद रखिएगा, इसमें आपको पूरा अपना 100% सपोर्ट, एंथुजियाज्म, एनर्जी सब कुछ लगा देनी है। सारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स इसका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे एक कम्युनिटी इतनी अच्छी बिल्ड करना चाहता हूं ना कि जो एकदम मतलब 100%, जैसे हर्षद मेहता ने कहा 100% देने के लिए रेडी हो जाए। तो आप भी एकदम रेडी हो जाओ एक नई छोटी कैपिटल के साथ चाहे, और जो जो चीजें मैं बताऊं इस वीडियो में भी और अपकमिंग पूरा ईयर जो जो चीजें बताऊं उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, फॉलो करिए अगर आपको सही लगे तो, और अपना बेस्ट से बेस्ट डिसीजंस लीजिए। क्योंकि इस चैनल पे आपको सबसे बेस्ट चीजें ही शेयर करूंगा मैं, इतना मैं गारंटी लेता हूं। कोई भी गलत चीज नहीं, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा वो शेयर करा जाएगा। कभी भी हम लोग ना कॉल सेंटर्स दिए ना कभी लाइफ में देंगे, इसको याद रखिएगा। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हो, और अगर आप पहले से हमारे ट्रू सपोर्टर हो तो जरूर से आज के ही वीडियो से जो जो एक एक पॉइंट बताऊं ना एक बार फॉलो करके देखिएगा। इस डिसीजन आपको लेना है, फॉलो करना नहीं करना, बट मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप एक एक चीज को ध्यान से सुनोगे और फॉलो करोगे तो मैं आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट देने के लिए रेडी हूं, इसको याद रखिएगा। और कोई भी चीज आपके लिए मैक्सिमम चीजें मैं रखूंगा चार्ज फ्री, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो अब चलते हैं गाइस, जल्दी से आगाज करते हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर का। आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं 1 अप्रैल से इंटेलिजेंट ट्रेडर्स के साथ एक्साइटेड होना ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग करने के लिए? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में सब लोग बता दीजिएगा। चलते गाइस, सबसे पहली बात तो फ्राइडे की मार्केट वाज टोटली फ्राइडे को छुट्टी थी, थर्सडे की मार्केट वाज टोटली ऑसम, खतरनाक मार्केट, मंथली एक्सपायरी वाली मार्केट थी, बहुत ही परफेक्टली, बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट ने एक अपसाइड का मूव दिया और लास्ट के 1 आवर के अंदर एक तगड़ा वाला फॉल आपका दे के मार्केट को खत्म करा। मतलब एक लास्ट के 45 to 50 मिनट्स आपका एक तगड़ा वाला फॉल मार्केट ने दे के अपने को क्लोज कराया। तो इट वॉज टोटली वेरी ऑसम मार्केट। हम लोग ने भी काफी सारे प्रॉफिट्स बनाए लॉन्ग साइड में भी, फिर फॉल करते टाइम भी 50 को तोड़ने वोड़ने के बाद निफ्टी में भी लोगों ने प्रॉफिट्स बनाया और बैंक निफ्टी में भी लोगों ने काफी अच्छे आरओआईज को निकालने की कोशिश करा। इट वॉज टोटली परफेक्ट डे और लास्ट ईयर का क्लोजिंग था तो शॉर्ट कवरिंग गिरना दोनों चीज हुआ, तो ऑप्शन बायर के लिए इट वॉज गुड डे फॉर ऑप्शन बायर्स, ठीक है? अब चलते गाइस कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात तो देखो यार, ये फाइनेंशियल ईयर काफी क्रूशियल होने वाला है। क्यों क्रूशियल होने वाला है? क्योंकि इस बार आपकी वोटिंग एंड एवरीथिंग भी है, तो काफी ज्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी रहने के चांसेस हैं। पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स का मैंने डाटा को ट्रैक डाउन करा है और मैं डायरेक्ट आपको ज्यादा शो नहीं करूंगा एक एक चीज ओपन करके, बट मैं डायरेक्टली आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स को देखा गया था, ठीक है? और हाँ गाइस, सबसे रिलैक्सिंग बात की मार्च का महीना खत्म होता हुआ दिख गया। मार्च काफी स्लो हो गया था इंटेलिजेंट ट्रेडर्स के लिए भी, बट अच्छी बात है अब खत्म हुआ और छुट्टियां भी खत्म हुई, अब वापस से काम करने पे फोकस करते हुए दिखना है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि मैंने पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स का मतलब ये अप्रैल के मंथ को ट्रैक करा, तो मैंने एक चीज को नोटिस करा, एक पैटर्न को। सबसे पहला पैटर्न ये था कि मंथली कैंडलस्टिक जो होती है, मंथली कैंडलस्टिक वो आपकी थोड़ा से रेंज बाउंड होती हुई दिखती है। रेंज बाउंड मतलब कि मार्केट में ऐसे ऐसे, जैसे कि ये मंथली पिछले मार्च की कैंडलस्टिक है, तो अप्रैल की कैंडलस्टिक जो होती है वो छोटी सी होती है, थोड़ा सा स्मॉल रेंज्ड होती है, बहुत ज्यादा मोमेंटम वाली नहीं रहती। और उसके साथ साथ एक और चीज नोटिस करा गया कि ऑप्शन सेलर्स की एंट्रीज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ एक और चीज को मैंने नोटिस करा कि अगर इसमें इलेक्शन आ जाता है तो मंथली रेंज बाउंड कैंडलस्टिक होने की प्रोबेबिलिटी लगभग 75% है। अगर पिछली 4 को देखा जाए तो 4 में से आपकी 3 आपकी साइडवेज टाइप की ही कैंडलस्टिक है। ये पॉइंट्स को हम लोग ने कुछ चीजों को नोटिस करा, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट क्या इससे हम लोग समझ ले कि हमारी मार्केट में अपकमिंग भी साइडवेज ही होगा? नहीं, मैं आपको वही चीज डिकोड करके बताना चाहता हूं कि अगर आप वीकली को देखोगे एंड डेली को देखोगे तो आपको डेली और वीकली में काफी अच्छी अच्छी कैंडलस्टिक बड़ी बड़ी मिलेगी, चाहे कोई भी फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल का स्टार्टिंग का महीना हो, इसको याद रखिएगा। क्योंकि बहुत सारी न्यू इन्वेस्टमेंट्स होती है, बहुत सारी नई चीजें, विदड्रॉ, जो लोग विदड्रॉ करे होते हैं मार्च के महीने में अपने लॉसेस को बुक करे होते हैं, वो लोग वापस से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें चलती है। और फिर चुनाव भी आपका आने वाला रहता है तो उसकी भी तैयारी चलती हुई दिखती है। मेजरली ऑप्शन सेलर्स भी एंट्री बनाते हैं, बट ऑप्शन बायर्स को भी इंट्राडे में काफी अच्छे अच्छे मूव्स मिलते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी।
दूसरी बात जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने अभी रिसेंट डेज में देखी कि आपका अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सब लोग अब शिफ्ट भी हो रहे हैं वो आपका ये भी है कि क्रिप्टो में काफी ज्यादा अच्छा वॉल्यूम चल रहा है और क्रिप्टो में काफी लोग प्रॉफिट्स भी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको न्यू जो फाइनेंशियल ईयर है ना गाइस, इसमें इंडियन मार्केट तो करना ही है, इंडियन मार्केट में तो आपको प्रॉफिट बनाना ही है। डेली हम लोग लाइव आते हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको आपको सीखना है, वहां से लर्निंग लेना है, बट अब आपको क्रिप्टो में भी पूरा 100% अपना देने के लिए रेडी हो जाना है, क्योंकि क्रिप्टो में इस टाइम बन रहा है अच्छा खासा पैसा। लोग हजारों लाखों रुपए बना रहे हैं, मेरे पास डेली स्क्रीनशॉट्स आते हैं और लोग काफी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और यहां पे सबसे बढ़िया बात ये आ गई कि यहां पे 30% जो टैक्सेशन लगता था वो अब जो प्लेटफॉर्म में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं उसमें नहीं लगता हुआ दिख रहा है। प्लस आपका जो 1% टीडीएस था हर ट्रेड पे कटने के लिए वो भी आपका नहीं लगता हुआ दिख रहा है। तो इस टाइम बून हो चुका है, जो प्रॉफिट बनाओगे वो आपका है। और नॉर्मल अगर 10 करोड़ का प्रॉफिट बना लेते हो या मान लीजिए 1 लाख का भी प्रॉफिट बनाते हो तो उस पर जो नॉर्मल इनकम टैक्स होता है जैसे बिजनेस इनकम पे लगता है वैसे आपका बस लगता हुआ दिखेगा। तो ये बहुत बढ़िया मौका है, एकदम नया फाइनेंशियल ईयर है, सभी लोग, मैं बोला ना आज से मेरी बातें मानना शुरू करिए क्योंकि मैं एकदम फुल्ली एक्टिवली काम करने वाला हूं। सभी लोग आज ही के आज ही अभी विदिन 20 मिनट्स भी मैंने बहुत बोल दिया, विदिन 5 मिनट्स आपका अकाउंट एकदम रेडी हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल जो आप वीडियो देख रहे हो ना इसके डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट ही लिंक आज रहेगा, आज फर्स्ट लिंक रहेगा, उस पर क्लिक करना, डेल्टा इंडिया क्रिप्टो एक्सचेंज लिखा होगा, डेल्टा इंडिया पे क्लिक करना। आप जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा, आप यहां पे साइन अप पे क्लिक करना और तुरंत से यहां पे साइन अप पे अपना जाके यहां पे अपना ईमेल आईडी डालना, अपना एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड बना लेना। ठीक है, और उसके बाद आपका ये कोड लगा रहेगा उसको लगे रहने दीजिएगा, आपको 10% ट्रेडिंग फीस का डिस्काउंट मिल जाएगा और बस उसके बाद आप तुरंत से ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग करना शुरू कर दीजिएगा। बस वहां पे तुरंत से साइन अप करिएगा एंड ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग करना शुरू कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे लिंक से करेंगे तो आपको सीनियर क्रिप्टो मेंबर्स के ग्रुप में भी एडिशन होगा। आज रात से एडिशन 100% स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम लोग सेटअप पे आ चुके हैं और ये पूरा लीगल हो चुका है, क्योंकि यहां पे आप देखोगे ना तो पूरा का पूरा लीगल हो चुका है। यहां पे आपको दिखेगा कि FIU एंड एवरीथिंग की तरफ से, मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूं बट इसको आप देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीटली लीगल हो चुका है। तो ये काम सभी के सभी इंटेलिजेंट ट्रेडर्स कर लीजिएगा। ये पार्ट हो गया आपका कि अब आपको दो चीज स्टार्ट कर देना है, एक ये हो गया इंडियन मार्केट का सीन, अब उसके बाद वो भी। अब चलते आगे कि इंडियन मार्केट का क्या प्राइजेक्शन है, एनालिसिस है, अपकमिंग डेज के लिए उसको भी जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हुए देखते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की जो इंडियन मार्केट का आपका प्राइजेक्शन है वो आपको क्लियरली दिखेगा कि निफ्टी बैंक में लास्ट में सेलिंग अच्छी खासी आती हुई दिखी एंड आपका जो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं बट थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ ही क्लोजिंग करी। एंड उसके साथ साथ अगर आप निफ्टी को भी देखने की कोशिश करोगे तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा मार्केट ने पॉजिटिविटी के साथ ही क्लोजिंग करी। जो बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक थोड़ी बनी थी उसके 50% एरिया के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, तो ये एक पॉजिटिव ही सिग्नल मार्केट के लिए माना जाएगा, निफ्टी के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा न्यूट्रल ही। इसके साथ साथ अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखने की कोशिश करोगे तो ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको दिखेगा, क्लियरली दिखेगा कि जो डाउ जोन्स एंड एवरीथिंग है वो आपका एक पॉजिटिविटी को शो करा है वीकली बेसिस पे। एंड फ्राइडे के दिन भी ये लोग ने जो मोमेंटम दिया, मतलब एक तरीके से थर्सडे के दिन जो इन लोग ने मोमेंटम दिया वो भी एक आपका पॉजिटिविटी का ही मोमेंटम था, क्योंकि यहां पे भी मार्केट की थी वो भी एक छोटा से साइडवेज टू पॉजिटिविटी का था। और अगर आप नैसडैक को देखोगे तो वो आपका न्यूट्रली टाइप का होता हुआ दिखा था। ठीक है, इसके साथ साथ गोल्ड को भी देखेंगे तो गोल्ड भी अपना अच्छा खासा फुल्ली एकदम फटा हुआ है, गोल्ड एकदम महंगा होता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, गोल्ड एकदम 67,000 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, पूरा फटा हुआ है गोल्ड। एंड आपका क्रिप्टोकरेंसीज तो चल ही रहे हैं बूम एकदम खतरनाक वाले, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के लिए जल्दी से अकाउंट ओपनिंग जरूर से कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो होता हुआ दिखेगा आपके लिए ओआई डाटा। तो ओआई डाटा को एंड एवरीथिंग को देखने की कोशिश करोगे तो ओपन इंटरेस्ट को आप देखोगे तो आपका सिंपल सा निफ्टी में अगर आप चेक करने का ट्राई करोगे तो इसको मैं एक्सपायरी चेंज करना चाहूंगा, 4th अप्रैल की एक्सपायरी को देखोगे तो 22,500 पे कॉल रेटर्स ने अपनी पोजीशंस को बना के रखा हुआ है। अगर ये और इंक्रीज होते हैं मंडे को तो समझ जाएगा 22,500 विल बी अ रेजिस्टेंस लेवल। एंड इसके साथ साथ आप नीचे देखोगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि 22,000 के आसपास आपके पुट राइटर्स बैठे हुए, 500 पॉइंट्स का जोन बनाने की कोशिश करें नेक्स्ट एक्सपायरी में। 28 तारीख को इन लोग ने जो पोजीशंस एंड एवरीथिंग को बनाया है
3 अप्रैल के हिसाब से अब देखेंगे हम लोग बैंक निफ्टी में क्या क्या करके रखे हुए हैं। तो बैंक निफ्टी में नोटिस करने पे आ रहा है कि 47,000 पे पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को ऐड कर रहे हैं और 47,500 पे कॉल राइटर्स। तो मतलब वही ऑप्शन सेलर से 500 पॉइंट्स की रेंज को बनाने का ट्राई करते हैं। अब हम लोग को ये भी देखना है कि किसके फटने वटने पे, किस लेवल के टूटने पे हम लोग को तगड़ा वाला मोमेंटम मार्केट में मिल सकता है। इसके साथ साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में FIIs एंड DIIs का भी देखोगे वैल्यू को, तो DIIs ने नेट नेट बाइंग ही करती हुई दिखी है, 2691 CR के आसपास की बाइंग करी है, बट FIIs ने काफी ज्यादा माल को खरीदा और बेचा। नेट वैल्यू भले ही 188 CR की है बट बाइंग वैल्यू भी आपकी 24,808 CR की थी एंड सेलिंग वैल्यू भी कुछ अच्छी खासी ही थी, इसको याद रखिएगा, 24,620 CR के आसपास की। तो नेट नेट भले ही थोड़ा सा कम है बट बाइंग सेलिंग दबा के FIIs ने भी करते हुए दिखा था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो होता हुआ दिखेगा आपका सीधा सीधा डेली टाइम फ्रेम पे प्राइजेक्शन क्या बनता हुआ दिख रहा है। तो सीधा सीधा अगर डेली टाइम फ्रेम पे प्राइजेक्शन निफ्टी का देखोगे तो आपका जो थर्सडे को क्लोजिंग हुआ वो काफी अच्छा खासा ऊपर होने वाला था बट लास्ट के 45 मिनट्स के अंदर जो सेलिंग आई उसने थोड़ा से नेगेटिविटी, मतलब एक तरीके से न्यूट्रली क्लोजिंग करी, जो बहुत पॉजिटिविटी था उसको थोड़ा से कम करा। एंड बैंक निफ्टी का भी देखोगे सब म्यूचुअल फंड्स के एडजस्टमेंट एंड एवरीथिंग भी होते हुए दिखते हैं, बैंक निफ्टी में भी वैसे ही कुछ कैंडलस्टिक थी। बट क्या हम लोग इसको देख के बेरिश बोल सकते हैं, तो उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। मार्केट एक सपोर्टिव कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कर चुका है और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के दोनों, ठीक है। बट अब चलते हैं डायरेक्टली हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने का ट्राई करते हैं, क्योंकि अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग को और क्लियर पिक्चर मिलेगी और मिड कैप के भी लेवल्स शेयर करने वाला हूं जिसकी एक्सपायरी है, तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। कितने लोगों ने इस पार्ट तक के वीडियो को देख लिया है वो लाइक के बटन दबा के तुरंत से बता दो, यस मैंने देख लिया है, लाइक दबा दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस वॉचिंग द फुल वीडियो, ओके, ताकि मुझे पता भी चल जाए कौन कौन लोग आ चुके हैं मेरे वीडियो को देखते हुए एकदम शानदार तरीके से। और अब चलते हैं निफ्टी को देखने की कोशिश करोगे तो निफ्टी में आपको दिखेगा कि मार्केट में एक अच्छा खासा रीसेंट डेज में फॉल आया था, फिर मार्केट में कुछ लोग इन्होंने इसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर माना, फिर मार्केट ने स्ट्रक्चर को लगभग लगभग यहां तक कंप्लीट करा और फिर वहां से एक तगड़ी वाली प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। तो अब और ज्यादा बाइंग कब आ सकती है मार्केट के अंदर, तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन है 22,500 से लेके 530 तक का। जब मार्केट इसको क्रॉस करेगा तो मार्केट अंधा वाला बुलिश हो सकता है 22,640 एंड फिर 22,800, ये सब भी टारगेट्स मार्केट अपकमिंग ऊपर के डेज पे बना सकता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आपको सिंपल वर्ड्स में देखना है कि अगर मार्केट 22,550 के ऊपर निकलता है तो क्लियर बुलिशनेस का सिग्नल आ सकता है, चाहे गैप अप खुल के भागे चाहे कहीं से भी, अगर मार्केट कल नहीं परसों आपका भागने की कोशिश करे तो काफी अच्छा ऊपर के साइड में निकल सकता है। रही बात बियरिशनेस की, तो बियरिशनेस के लिए देखो मार्केट ने ये जोन को तोड़ा था तब मार्केट फटना शुरू करा था, वो जोन था 22,188, तो यहां पे एक लेवल 22,190 के आसपास लगा लो, चलो 190, अगर मार्केट मंडे के दिन में इसको क्रॉस करता है 190 के लेवल को तो पहला टारगेट 22,089 एंड दूसरा टारगेट 22,1994 आपका होता हुआ दिख जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो ये दोनों टारगेट को आप जरूर से सेट कर लीजिएगा कि बियरिशनेस साइड में आपका मार्केट 22,190 को तोड़ेगा तो अच्छा खासा बियरिश हो सकता है, इस जोन तक मार्केट हो सकता है स्लो रहे, बट ऑल लेवल्स को भी नोट कर लीजिए, सबसे ऊपर का लेवल 22,646, नेक्स्ट लेवल 22,505, थर्ड नेक्स्ट लेवल 22,385, फिर इसके बाद 22,258, फिर इसके बाद 22,190, फिर इसके बाद 22,089, फिर लास्ट आपका 22,1994, ठीक है, ये सारे लेवल्स को आप निफ्टी के मार्क कर लीजिएगा। क्लियर पिक्चर में यही है कि इसके ऊपर मार्केट निकला तो अच्छा खासा बुलिश, इसके नीचे निकला तो मार्केट बेयरिश, और अगर इसी बीच में रहता है तो आपका साइडवेज एंड स्लो मार्केट रहेगा, उसमें आपको स्कैल्पिंग ही मेनली प्रॉफिट निकालते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद गाइस निफ्टी बैंक के भी लेवल्स को मार्क कर लो सभी के सभी लोग। निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखोगे तो काफी शानदार वाला मार्केट ने फॉल करा था, अगर मैं इसको एक ट्रेंड लाइन से जोड़ने की कोशिश करूं तो आप हो सकता है ये आपको भी चीज दिखे कि यहां पे अगर आप रैंडम ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करोगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल, फिर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करा, साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन, रिट्रेसमेंट एंड देन अगेन से ब्रेकआउट कंफर्मेशन के साथ एक भागना चाहिए और मार्केट ऊपर के लेवल्स पे। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर मार्केट कुछ इन लेवल्स को तोड़ता है 47,410 तो मार्केट में एक अच्छा खासा और बुलिशनेस का ब्रेकआउट, जैसे निफ्टी में 47,690 एंड देन उसके बाद 48,811 का लेवल भी आ सकता है अपकमिंग डेज में। और अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट डाउन साइड में तोड़ देता है या गैप डाउन या तो साइडवेज खुल के भी अगर 50 मूविंग एवरेज को तोड़ता है तो एक्सट्रीम बियरिशनेस तो मैं इस लेवल के नीचे ही लेने वाला हूं, 46,691 के नीचे फिर से मार्केट बॉटम को टच करने आ सकता है 46,264 और इसके बीच
नीच के जो भी लेवल्स रहेंगे वो आपको लाइव स्ट्रीम पे बताने वाला हूं, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे अपडेट्स मैं आपको वहीं पे देता हूं। और अगर आपको सीखना है बेसिक से पूरा एडवांस तक, तो आपके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे के रखा हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर को भी आप जरूर से इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक की डिटेल्स मिल सकती है। और अगर आप हमारे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन वाले में लिंक्स में आप अपना धन में, एलाइज ब्लू में, फायर्स में, एंजल वन में, किसी में भी अपना अकाउंट ओपनिंग करके ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ है, बट आपको मैं सारी चीजें कवर करना चाहता था, इसको ध्यान दीजिएगा। अब लास्ट देख लेते हैं आपका मिड कैप का, क्योंकि मुझे भी बहुत बातें करना था गाइस, क्योंकि आपसे बहुत दिनों से बातें हो नहीं पाई थी, मैं सेटअप से बाहर था, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते फुल पोटेंशियल के साथ वापस से, और अब देखते हैं मिड कैप के लेवल्स को। तो मिड कैप में सबसे टॉप का लेवल है 10,689, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 10,643, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 10,598, देन उसके बाद है 10,517, देन उसके बाद है 10,472, लास्ट आपका 10,412, एंड द मोस्ट लास्ट आपका 10,319। मिड कैप में भी वही है कि मार्केट में बाइंग कुछ दिनों से चल रही थी, तो मिड कैप अगर कल के दिन में कैसे भी करके 10,473 के लेवल को तोड़ता है, तो मार्केट में क्रैश टाइप का सिनेरियो, 419 तक का टारगेट। अगर कल के दिन में मिड कैप कभी भी 600 के लेवल को या 595 के लेवल को पार करता है, तो पूरा फटना 645 एंड आपका 688। इस जोन के बीच में अपना पीजीएस स्ट्रेटजी फर्स्ट सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन से लेके पढ़िए एंड उसमें आप उसको अप्लाई करिए। मैं होप करता हूं आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आपने एंजॉय करा होगा, एंड काफी दिनों बाद हम लोगों की मुलाकात होती हुई दिखी, तो जरूर से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड क्रिप्टो वाला जो चीज मैंने आपको बताई वो जरूर से कर लीजिए, क्योंकि मैं फुल पोटेंशियल के साथ काम करने वाला हूं। कोई टैक्सेशन एंड किसी चीज की भी अब झंझट नहीं है, डायरेक्ट बैंक में विदड्रॉ, डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट है, तो जल्दी से उसको भी करते हुए दिख जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप लोग से कल की मार्केट में शानदार तरीके से विद शानदार अमेजिंग एनालिसिस। तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल।